आज मैं बात करने वाला हूँ डिप्रेशन, एंटी डिप्रेशंस और सेक्स लाइफ, इसके बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 38 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। डिप्रेशन ये जो बीमारी है, मानसिक बीमारी, जिसको निराशा भी कहते हैं, जिसमें बहुत सैडनेस, उदासीनता, कोई काम करने की इच्छा नहीं होना, डाउन हो जाना, मूड खराब होना, ऐसा होता है, उससे सेक्स लाइफ मार खाती है। सेक्स में इच्छा नहीं होती बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। सेक्स करने की इच्छा नहीं है, सेक्स में मजा नहीं आती है, सेक्स में चरम सीमा पे नहीं पहुंचते, कुछ भी करने की इच्छा होती नहीं है, तो सेक्स भी क्या करेगा। तो डिप्रेशन से सेक्स लाइफ खराब होती है, सप्रेस होती है। डिप्रेशन ठीक करने के लिए डॉक्टर्स देते हैं एंटी डिप्रेशंस। होता क्या है कि एंटी डिप्रेशंस से जो बची कुची जो कुछ सेक्सुअल लाइफ है या सेक्सुअल डिजायर है, वो भी डाउन हो जाती है। एंटी डिप्रेशंस जो है उसमें SSRI, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, कॉमनली वापरे जाते हैं। उसके साथ साथ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशंस, वो भी कॉमनली वापरे जाते हैं। क्या होता है कि ये दवाइयाँ स्पेशली SSRI सेरोटोनिन लेवल्स जो है वो कम करती है, और सेरोटोनिन लेवल्स जब कम करती है तो फिर जो रेस्पॉन्स टू सेक्सुअल स्टिमुला है वो कम हो जाता है। एक पढ़ाई किया, एक अभ्यास किया 574 लोगों के ऊपर, 574, इसमें ऐसा निकल गया है कि 54% लोगों को, 54% लोगों को सेक्स की इच्छा कम हुई थी बिकॉज ऑफ एंटी डिप्रेशन ड्रग्स। 37% लोगों को चरम सीमा पे पहुंचने के लिए कठिनाई हुई, और 36% लोगों को लिंग में तनाव ही नहीं आया, कठोरता ही नहीं आई। तो भी करना क्या है? एक तो क्या है कि आप डॉक्टर को बोलो कि भाई ये दवाई बदल के दो, या फिर डिप्रेशन ठीक होने तक रुको। डॉक्टर दवाई बदल के दे सकते हैं, बुप्रोपियन नाम की जो एंटी डिप्रेशन है और मिरिटाजापिन जो एंटी डिप्रेशन है, ये एंटी डिप्रेशंस कम से कम सेक्सुअल सप्रेशन करती है। मतलब ये दवाई लेते हैं तो सेक्स लाइफ के ऊपर कुछ ज़्यादा बुरा असर होता नहीं है, इसलिए डिप्रेशन भी ठीक होगा और सेक्स लाइफ भी ठीक होगी। बुप्रोपियन और मिरिटाजापिन के साथ साथ यदि आप सिल्डेनाफिल लेते हैं, तो ये मालूम पड़ा कि सिल्डेनाफिल से 55% लोगों में फ़ायदा हो गया। टाडलाफिल लिया तो 70-80% लोगों में फ़ायदा दिखा। तो डिप्रेशन के पेशेंट्स में एंटी डिप्रेशन के साथ साथ यदि सिल्डेनाफिल और टाडलाफिल देते हैं तो पेशेंट को बहुत राहत मिलती है, सेक्सुअल लाइफ अच्छा चल सकता है। ये पुरुषों में, महिलाओं में क्या करना? महिलाओं में भी सिल्डेनाफिल और टाडलाफिल का इस्तेमाल करके देखा हुआ है, और कुछ स्टडीज ऐसी है कि सिल्डेनाफिल और टाडलाफिल से सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ाने में मदद हो गई, ऐसे कुछ स्टडीज़ है, कन्फर्म नहीं है। तो फिर महिलाओं में क्या करना चाहिए? महिलाओं के लिए ऑफ लेबल ट्रीटमेंट जैसे सिल्डेनाफिल, टाडलाफिल, अभी दूसरी जो दवाइयाँ हैं जो महिलाओं के लिए काम में आती है, वो फिबेनसेरिन, फिबेनसेरिन और मेलानोटाइड, ये दवाई वो महिलाओं में देते हैं जिनको डिप्रेशन हुआ है और एंटी डिप्रेशंस चालू है, तो डेफिनेटली उनका सेक्स लाइफ अच्छा हो सकता है। तो ये दवाइयाँ देते हैं तो डेफिनेटली सेक्स लाइफ भी एंजॉय करेंगे, डिप्रेशन की दवाइयाँ भी चालू रहेंगी, और डिप्रेशन जो 2-4 महीने चलता है और 2-4 महीने सेक्स लाइफ मार खाता है तो वो होगा नहीं। ये आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो। बहुत लोग डिप्रेशन से परेशान हैं, उनको एंटी डिप्रेशन चल रही है, डिप्रेशन के साथ साथ उनको एंग्जाइटी है, एंटी एंग्जाइटी दवाई चल रही है, उससे सेक्स लाइफ के ऊपर परिणाम होता है। इस तरह की दवाई लेके डेफिनेटली सेक्स लाइफ भी अच्छा होगा और डिप्रेशन भी अच्छा होगा। वीडियो अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।